नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ब्लेंडिंग ब्रशेस के बारे में, और काफ़ी लोग मुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये ब्रशेस कैसे होते हैं। इनफैक्ट मेकअप ब्रशेस भी हैं इसमें, जो मैं यूज़ कर रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 1-2 महीने हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए। और कैसे ये वाटर कलर ब्रश है जो मैं यूज़ करता था इसके पहले, इससे कैसे बेटर हैं ये मेकअप ब्रशेस, इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। और पेपर स्टम्प आपको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि ये पेपर को किस तरह से डैमेज करता है। मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है इस बारे में, लेकिन आज फिर से मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड था काफ़ी दिनों से। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स ब्लेंडिंग ब्रशेस के बारे में, और ये ब्लेंडिंग ब्रशेस जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे ड्राइंग्स में, उसके बारे में बात करूँगा। और इवन अभी लगभग 2-3 महीने से मैं मेकअप ब्रशेस को भी यूज़ कर रहा हूँ एज अ ब्लेंडिंग ब्रश, तो उस पर बात करेंगे कि ये कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और कितने ज़्यादा वर्थ हैं, और ये कितने ज़्यादा अच्छे हैं कि आप ये पेपर स्टम्प काइंड ऑफ थिंग से आप बच जाते हैं और इसका यूज़ नहीं करना पड़ता, एज इट रियली रिड्यूस योर आर्ट स्किल्स। तो अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और आप यहाँ पे मैं जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर है, जो ड्राइंग पेपर होता है मार्केट में जो आपको मिलता है। पेंसिल मैं 6B अभी दिखा रहा हूँ, और इसको देखते हैं कि किस तरीके से ब्लेंड करता है। 6B तो थोड़ी सी डार्कर वैल्यूज़ देगी डेफिनेटली। तो ये है जो कि ब्लेंडिंग ब्रश, मेकअप ब्रश है। ये है कैमलिन का ब्रश जो कि मार्केट में मिलता है, ये देखिए इस पर लिखा भी हुआ है कैमलिन ब्रश। और ये पहले मैं यूज़ करता था कैमलिन ब्रश, बट कुछ ऑब्जर्वेशन करके या कुछ जो हम देखते हैं और देख के जो हमें समझ में आता है कि क्या ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मेकअप ब्रश कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं इसमें। तो ये मैंने देखा, और मैंने देखा कि और भी जो कुछ आर्टिस्ट हैं, जो इंस्टाग्राम पे खासकर जो फॉरेन आर्टिस्ट हैं वो इसको काफ़ी यूज़ करते थे। इनफैक्ट जो एक इसका सबसे महंगा ब्रश आता है वो यूज़ करते थे, बट वो दैट वाज मच कॉस्टियर थिंग फॉर अस, मतलब हम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा महंगा था वो ब्रश जो वो यूज़ करते हैं वो। लेकिन यहाँ पे जो अल्टरनेटिव था उसका वो ये दिख रहा था मेरे को कि हम ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ इस वाटर कलर ब्रश से, तो वाटर कलर ब्रश होते हैं वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते, डेफिनेटली वो स्मूथ होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी, मतलब घने बहुत हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत एक इवन सरफेस हमें ऑप्ट होती है और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़ते हैं आपको। देखिए मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको ब्लेंड कर पाते हैं, और आप एट द सेम टाइम आप अपने जो पेंसिल के स्ट्रोक्स हैं उसको भी रिमेन रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये पेपर स्टम्प के जैसे हार्श भी नहीं है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ। और इसके बाद तो फिर ये हो जाता है कि आपको फिर पेपर स्टम्प बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटे स्मॉल साइज़ का ब्रश है देखिए, और बहुत माइन्यूट और फाइन एरियाज़ में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको देखिए यूज़ कर रहा हूँ, और बड़ी आसानी के साथ मैं हेयर लाइन्स तक के एरियाज़ को मैं ऑप्ट कर सकता हूँ इससे, और बड़ी अच्छी तरह से ये इसको ब्लेंड कर देता है प्रॉपरली, और जितना मुझे चाहिए एज एन आर्टिस्ट उतना डेफिनेटली ये कर देता है। और इसमें और भी टाइप के ब्रशेस आते हैं देखिए, जैसे एक ये ब्रश है जो कि एक अलग तरीके से शेप में काटा हुआ है, इसको भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं अभी, हालांकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसकी जो टिप है इधर वाली उसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रोक्स को जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ, एक अलग लाइन आप डेवलप कर सकते हैं इस ब्रश की मदद से, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आर्ट में। तो आप इस ब्रश को देखिए, और ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इन ब्रशेस के ऊपर भी कुछ बनाइए एक, और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था इनफैक्ट कि मैं इस पर कुछ बनाऊं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था जस्ट बिकॉज़ कि मैं अदर वीडियोज़ पे काम कर रहा था। यहाँ मैं दिखाता हूँ कि ये क्यों इतने ज़्यादा अच्छे, मैं बोलता हूँ उनको, क्योंकि जब ये पेपर स्टम्प हम यूज़ करते हैं तो एक तो जो इससे स्पॉट्स आते हैं पेपर पर वो अलग है, जैसे मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पर, तो स्मूथ पेपर के ऊपर तो फ्रेंड्स ये अच्छे से काम करता है, लेकिन जब कार्ट्रिज पेपर होता है, रफ पेपर होता है, तब जब आप इसे ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंड तो हो जाता है परफेक्टली, लेकिन जो स्पॉट्स होते हैं नज़र आते हैं, बहुत साफ साफ नज़र आते हैं।
ब्लेंड हो गया परफेक्टली, लेकिन जो अंदर के स्पॉट्स हैं और जो मेरी पेंसिल की जो स्ट्रेंथ थी वो सारी सारी ख़त्म हो गई। इसीलिए मैं इसको कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ कंपेयर विद दीज ब्लेंडिंग ब्रशेज़, और मैं हमेशा से ही ब्रशेज़ को प्रेफर करता हूँ। मेरे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैंने ही काफ़ी दिन से आपको कहा है, और काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट हैं जो अभी पूरी तरह से पेपर स्टम्प को छोड़ चुके हैं और ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रहे हैं शेडिंग्स वगैरह में। तो ये मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा, और यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने अच्छे से ये ब्लेंड करता है, पेपर को भी हार्श नहीं रहता, पेपर के ऊपर भी बहुत सॉफ्ट है ये, और आप बड़ी आसानी से ब्लेंड भी कर पाते हैं। चाहे जितनी लेयर आप चढ़ाना चाहें उतनी लेयर चढ़ा सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा ये। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव थिंग है फ्रेंड जो आप यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग में। ये मत सोचिए कि कम्प्लीटली आपको ब्लेंड करना है पेंसिल को, वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक रीज़न होता है तब ज़रूर करते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे आप पेंसिल की स्ट्रोक्स को रिमेन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उससे जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इवन ये जब आप ये यूज़ करते हैं पेंसिल इरेजर, तो उस पर भी देखिए बहुत अच्छे से आप पेंसिल इरेज कर पाते हैं चीज़ों को, वो भी एक प्लस पॉइंट है ब्लेंडिंग ब्रश का। तो इसीलिए ये ब्लेंडिंग ब्रशेस यूज़ करते हैं हम फ्रेंड्स, और ये बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है मेकअप के यूज़ के साथ साथ हम इसको इसमें भी अगर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, एज़ कम्पेयर विद जो कैमलिन का मेरे पास वाटर कलर ब्रश था पहले, उसके कंपेयर में मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसकी मैं अमेज़ॉन की लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं और आप भी अपनी ड्राइंग को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। और ये जो चीज़ है जो बहुत डेंजरस मुझे लगती है आर्ट्स में, खासकर ग्रेफाइट ड्राइंग में, चारकोल में तो आपको करना ही पड़ेगा लेकिन ग्रेफाइट ड्राइंग में इसको बहुत अच्छे से यूज़ अगर आप ना करें, बहुत कुछ एरियाज़ में करें, लिमिटेड कर दें इसका यूज़, तो बहुत आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, इतना ही था इसके बारे में मैंने आपको बताना, और मैं डिटेल में कोशिश करूँगा कि वो तो मैं करता ही रहता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, कि फेस बना के पूरा और फिर ब्रश को यूज़ करके शेड कैसे करना है वो भी बताता रहूँगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।